Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to do QOD 7 Polito question of the day 7th for the CAT 2024 examination. Basically PYQ question है और ये question पढ़ने में ही almost बच्चे को ये realize हो जाएगा कि भैया ये question करने वाला तो है नहीं, खासकर exam में. But इस question से आप बहुत सारी बातें सीख भी सकते हो और definitely जब हम इस question को deeply समझेंगे तो इट कैन बी डन इन 30 to 40 seconds ऑल्सो. थोड़ा सा हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसके बेसिक से हम बात करेंगे, फिर मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा सो दैट इट दिस कैन बी डन क्विकली. ओके सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ओनली ए सिंगल रेल ट्रैक एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशन ए एंड बी ऑन ए रेलवे लाइन. मतलब ए और बी जो है ये, तो एक रेलवे लाइन है ए और बी, यहाँ पे सिंगल रेलवे एग्जिस्ट करती है, मतलब एक बार में एक ही ट्रेन चल सकती है. 1 hour आफ्टर द नॉर्थ बाउंड. देखो जब आप डायरेक्शन बनाते हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है. तो 1 hour आफ्टर द नॉर्थ बाउंड सुपर फास्ट ट्रेन, मतलब यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेन चली है, यहाँ से नॉर्थ बाउंड मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है, लीव्स स्टेशन ए फॉर बी, ठीक है. तो इस ट्रेन का नाम है एन, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो सुपर फास्ट ट्रेन है उसको एन से डिनोट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. ए साउथ बाउंड पैसेंजर ट्रेन एस, ठीक है. तो एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है एस, ठीक है. यहाँ से निकलती है, साउथ बाउंड बोले तो साउथ की तरफ, इसका नाम है एस, ठीक है. रीचेज स्टेशन ए फ्रॉम स्टेशन बी, मतलब बी से ए पे पहुँचती है. लेकिन ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है यहाँ पे कि एक घंटे के बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई ट्रेन 8 बजे निकली, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं. तो जब ये ट्रेन 8 बजे निकली तो यहाँ से एक ट्रेन जो निकली होगी तो ये यहाँ पे 9 बजे पहुँची. तो इस बात का ये सीधा सा मतलब है कि आपके पास 1 hour है ट्रिप करने के लिए. ट्रिप बोले तो क्या आप एक ट्रिप जो कर सकते हैं अप डाउन की, या यहाँ से ए टू बी और बी टू ए, वो एक घंटे में ही कर सकते हैं. क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ से 8 बजे बोला तो ट्रेन ए वाली बी पे पहुँची होगी, उसके बाद बी से ए से बी पे वापस ट्रेन आई होगी, तो एक ही घंटा अवेलेबल है इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. नाउ द स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन इज ट्वाइस दैट ऑफ नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ई, ठीक है. तो एक और ट्रेन दे रखी है एक्सप्रेस ट्रेन ई. अब ये बोलता है क्या कि भैया सुपर फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो डबल है नॉर्मल से, एक्सप्रेस से. तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो दैट विल बी 2x, एंड पैसेंजर ट्रेन की हाफ ऑफ ई है, तो इसका मतलब ये एक्स बाई 2 हो जाएगा. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4x है, ये इसका एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x. तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, ये डबल है तो ये देखो ये 2x है, तो ये इसका डबल हो गया और ये इसका हाफ हो गया, ठीक है. मतलब आपको ये पता चल गया कि ट्रेन की स्पीड्स का रेशो क्या है एक तरह से, राइट. नाउ ऑन ए पर्टिकुलर डे एन लीव्स बी फ्रॉम ए, ठीक है. एन ने लीव्स बी फ्रॉम ए, ठीक है. ऑन ए पर्टिकुलर डे एन लीव्स बी फ्रॉम ए 20 मिनट्स बिहाइंड द नॉर्मल शेड्यूल, ठीक है. तो यहाँ से जो ट्रेन है एन वाली ट्रेन ए से बी तक चलती है 20 मिनट्स लेट हो जाती है, ठीक है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्केड्यूल बोथ एन एस हैज इंक्रीज देयर स्पीड्स इफ द सुपर फास्ट ट्रेन डबल इट्स स्पीड, ठीक है. सुपर फास्ट ट्रेन ने अपनी स्पीड डबल कर दी है और उसके बाद बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है. वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक समझते हैं. तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस आपको डी ट्रेवल करना है, हाँ दिस डिस्टेंस इज डी, एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज डी, कोई दिक्कत नहीं. अगर ये डिस्टेंस डी है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो आपके पास नॉर्थ बाउंड ट्रेन है और जो साउथ बाउंड ट्रेन है उनके पास मिला के ही 60 मिनट है भैया, इसी में आपको ट्रिप पूरी करनी है, बिल्कुल सही बात है. तो अगर मैं इस डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ तो इनिशियली इसकी स्पीड है 4x सुपर फास्ट ट्रेन की एन वाले की, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है आपके पास दैट इज़ एक्स, और ये वैल्यू आपको 60 के बराबर दे रखी है. होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. तो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं डी बाई एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो ये 5/4 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1/4
प्लस वन बचेगा, बिल्कुल सही बात है, और ये 60 के बराबर है। तो यहाँ से जो डी बाई एक्स है वो 48 मिनट आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। तो डी वाई एक्स जो है वो 48 मिनट है, तो डी वाई एक्स बेसिकली है क्या, टाइम टेकन बाय द साउथ बाउंड ट्रेन, हाँ, तो उसको 48 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं, दिस इज द टाइम टेकन बाय द साउथ बाउंड ट्रेन, साउथ बाउंड ट्रेन, तो अगर मैं टी एन निकालूंगा तो 12 मिनट ही आएगा, क्योंकि दोनों को मिला के ही भैया 60 मिनट है। होपफुली इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट आई कैन राइट इट, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम, मतलब जगह चाहिए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये 12 मिनट है, तो दोनों का टाइम पता चल गया, 12 मिनट में ये वाली ट्रेन पहुंचती है, 48 मिनट में ये वाली ट्रेन पहुंचती है, ठीक है। रेशियो सही भी बताएंगे, पहले इसको बेसिक प्रोसीजर समझ लेते हैं। अब ये बोलती है क्या कि सुपर फास्ट ट्रेन ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, हाँ। तो अगर हम इसकी न्यू स्पीड देखेंगे, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, तो अगर हम यहाँ से इसकी न्यू स्पीड देखेंगे तो ये 8x हो जाएगा। डिड यू गेट इट और नॉट, बिल्कुल सही बात है, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि अभी जो नॉर्थ बाउंड ट्रेन और जो साउथ बाउंड ट्रेन है दोनों के पास 40 मिनट है। सर 40 कैसे आ गया, वो ऐसे आ गया कि 20 मिनट लेट चली है ये वाली ट्रेन, तो अगर 20 मिनट ऑलरेडी लैप्स हो गए, इसका मतलब 40 मिनट में ट्रिप पूरी करनी है, ऑलरेडी 20 मिनट बिहाइंड द स्केड्यूल है। तो डी ये कितना होगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी लेकिन अब स्पीड हो जाएगी इसकी 8x, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए भी सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड हमको इसकी पता नहीं है, नई स्पीड आई डोंट नो कितना है, तो उसको मैं वाई मान लेता हूँ, हाँ, नई स्पीड को वाई मान लेते हैं, हाँ। तो न्यू स्पीड को हम वाई अज्यूम कर लेते हैं और इसकी 8x है और 40 मिनट की अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। डी वाई एक्स की वैल्यू 48 है, कितनी है 48, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 8 प्लस डी बाय वाई, और ये 40 हो जाएगा, तो 8 छक्के 48, जो डी अपॉन वाई है ये आपके पास आ गया करीब 34 मिनट, हाँ कितना आ गया 34 मिनट, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब तो अब इसको 34 मिनट लग रहे हैं, हाँ इसको 34 मिनट लग रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इसकी जो वाई है वो कितना इंक्रीज हो गया, दैट इज़ अ वी हैव टू फाइंड व्हाट शुड बी द रेशियो अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू द सुपर फास्ट ट्रेन एज रीचेज एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस रेशियो को देख पाता हूँ, आपको ये रेशियो निकालना है, नया वाला रेशियो दैट इज 8x का न्यू स्पीड का रेशियो निकालना है ऑफ एन ऑफ, उसके बाद है एक्सप्रेस ट्रेन, सॉरी सुपर फास्ट ट्रेन, और एक सुपर फास्ट ट्रेन तो एस एन है और पैसेंजर ट्रेन है एस, ठीक है। तो आपको इनका नया रेशियो निकालना है, तो भैया सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज सेम, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो अगर हम इनके टाइम का रेशियो ले लेंगे, हाँ, तो अगर मैं इसके टाइम का रेशियो लेता हूँ तो जो भी ये रेशियो आएगा उसको पलट देंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम इसको लग रहा है नया 6 मिनट और इसको लग रहे हैं करीब 34 मिनट, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 से 17, तो ये जो टाइम है ये 3:17 आ गया। तो अगर मैं इनका नया स्पीड का रेशियो देखूंगा, हाँ, स्पीड ऑफ एन और स्पीड ऑफ एस, सो ये फ्लिप होके हो जाएगी 17:3, तो इट इज़ अराउंड 6:1। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो मतलब जो नई स्पीड है वो सुपर फास्ट ट्रेन की है, वो 6 times है जो कि पैसेंजर ट्रेन की है। तो होपफुली ये पिक्चर आपको समझ में आई होगी, ये बेसिक प्योर मैथमेटिक्स था, बट अगर हम इसको रेशियो से करते तो थिंग्स कुड हैव बीन फार बेटर एंड फार इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो मैं इसको रेशियो मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है, असली मज़ा उसी में आएगा। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रेशियो वाले तरीके से, ठीक है। तो कहाँ से हमको शुरू करना है, मैं इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन तो होपफुली आपको याद ही हो गया होगा, तो ये था कि जो नॉर्थ बाउंड ट्रेन है और जो साउथ बाउंड ट्रेन है उसके पास 60 मिनट हैं, और जो इनकी स्पीड का रेशियो था ये है सुपर फास्ट
ये है एक्सप्रेस ट्रेन और ये है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन का नाम एस था और इसको हमने ई बोल रखा था। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ई, ठीक है। तो इनकी स्पीड का रेशियो था 4x, 2x और x। तो आई कैन सी कि जो नॉर्थ बाउंड ट्रेन है और जो साउथ बाउंड ट्रेन है उनकी स्पीड 4:1 के रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो है 4x/x। किस किस की स्पीड का रेशियो? नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड, दैट इज ट्रेन नंबर n और ट्रेन नंबर s, ठीक है। तो ये जो स्पीड का रेशियो 4:1 है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो पूछूंगा, टाइम का रेशियो, तो भैया जी टाइम का रेशियो जो हो जाएगा इनका रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, राइट, सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसका मतलब अगर हम इनिशियली टाइम सोचेंगे, टाइम टेकन बाई एन 1/5 × 60, तो भैया 12 मिनट तो ऐसे ही आ जाएगा ये। एंड टाइम टेकन बाई एस, ये हो जाएगा 4/5 × 60, या फिर 60 में से माइनस करो 48 मिनट। इतनी बात आई थी आपको समझ में आ गई होगी। अब फंडा सोचो, लॉजिक। तो लॉजिक ये बोलता है कि इसकी स्पीड डबल हो गई, इसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया। और एक बात बताओ, अगर स्पीड डबल है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है, तो अब टाइम आधा लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस है, स्पीड डबल हो गई, तो टाइम वुड बी हाफ। तो अभी जो इसको नया टाइम है TN-, ये 6 मिनट हो जाएगा, हाफ लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास 20 मिनट तो है ही नहीं, 60 में से 20 तो भैया माइनस ही कर दो, तो ओवरऑल 40 मिनट है आपके पास चलने के लिए दोनों ट्रेन के पास। तो 40 में से 6 तो इसने कंज्यूम कर लिए, तो जो अभी एस के पास टाइम बचेगा वो 34 मिनट का बचेगा। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी कि ये वही क्वेश्चन हो गए जो हमने अभी इक्वेशन से किया था, बट लॉजिकली इट वॉज सुपर ईजी क्वेश्चन। तो आई कैन से कि भैया अगर हम स्पीड का रेशियो देखेंगे नया वाला, SS- लिख देते हैं इसको, SS- और SN-, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 34/ अच्छा S के सामने ये 34 वाला आएगा, दैट इज 6/ दैट इज सुपर फास्ट ट्रेन है, दैट इज N, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 34 और S के सामने आएगा इसका टाइम, दैट इज 6, ठीक है। तो आई कैन से टाइम जो है फ्लिप हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, दैट इज 3/17 और इट इज़ गोइंग टू बी 1:5.66 और क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी 1:6 की दे रखी थी, तो इट वॉज आवर आंसर। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इसको करने का ये आई थिंक बेहतर तरीका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और प्लेलिस्ट जो है डेली की ओडी की फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।